अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उनवान है कि दुश्मन तो दुश्मन, उसका पूरा घर और पूरी फैमिली तबाह बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि सवाल के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ को गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम नाज़रीन, याद रखें हमारे जितने भी अमल सिर्फ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं, नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। हमारा सेंट और वानी सेंट टमटोना जादू सिकली बल्क मैजिक शैतानी और गंदी हरकतों का से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते। मोहतरम नाजरीन, आपका अमल जाते जाफरी में खैर मकदम है। कॉन्टेक्ट करें 9696824150 पर हर मसले के हल के लिए। आज का जो अमल है वो दुश्मन की तबाही के साथ साथ दुश्मन की फैमिली, दुश्मन का घर, दुश्मन का मकान सब तहस नहस करने का अमल है। लेकिन याद रखें, बेहतर यह है कि सब्र करें, जहाँ तक हो सके सब्र करें, और सारा मामला जो अल्लाह के सुपुर्द करते हैं इसलिए कि वो बेहतर इंतकाम लेने वाला। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, हद से ज़्यादा हो गया, दुश्मनी करने पे तुला हुआ है, बर्बाद करने पे तुला हुआ, तो आप ये चाहेंगे कि उसको भी वैसे कर दिया जाए किसी ना किसी तरीके से, तो आप इस तावीज़ मुबारक का इस्तेमाल करें। करना क्या है, सबसे पहले पाक साबु करके रोबा के बिला बैठ जाएँ, फिर उसके बाद अपना है सारा तिल कुर्सी चारों कुल शरीफ्स करें। दिन में ये जब सूरज डूबने से 2 घंटा पहले ये अमल अंजाम दें। फिर उसके बाद सफेद कागज़ पे काली पेन से ये लिखें, क्या लिखें, पहले लिखेंगे लिखने का अंदाज़ इस तरीके से, पहले खाना बना लें, फिर लिखेंगे 13, फिर 20, फिर 15, फिर 18, 16, 14, फिर उसके बाद 17, 12, 19, फिर नीचे लिखे तबाह तबाह, फिर उसके बाद 31 और 81, फिर तबाह तबाह, फिर जो लिखा है 14, 12, 19, इस तरीके से लिखा, फिर नीचे लिखा दुश्मन का नाम और घर, वालदा का नाम, दुश्मन का नाम लिखें, अगर घर पर बात करना है तो घर भी लिखें और उसकी माँ का नाम लिखें, फिर नीचे लिखे 120, फिर असम, फिर 71, फिर उसके बाद जो लिखा है वो लिख लें। जब ये तावीज़ मुकम्मल हो जाए तो एक नींबू ले लें, नींबू को काटे थोड़ा सा, उसके बाद इस तावीज़ को उसके अंदर डालें और उस पर जो अत्र छिड़के और उसको हर एक कपड़े पर लपेट करके उस तावीज़ को दरिया में डाल। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि जब ये तावीज़ मुकम्मल हो जाए तो इसको जलाएँ और जलाने के बाद इसकी राख नींबू में डालें और डालने के बाद उस पर अत्र डालें, फिर उसके बाद उसको दुश्मन के घर में फेंक दें। अगर ये मुश्किल हो तो सिर्फ राख ही जो है उसके घर में डाल दें, ये भी काफ़ी है। तो आप देखिएगा कि दुश्मन तबाह हो जाएगा, दुश्मन की फैमिली तबाह हो जाएगी, घर वीरान हो जाएगा, सब सत्यानाश हो जाएगा। बहुत मुजर्रब अमल है, लेकिन करने से पहले हज़ार मरतबा सोचें कि ये मेरे हक़ में बेहतर है कि नहीं। अगर यूँ ही किसी को तबाह बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं तो रजत भी हो सकती है, इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। एहतियात शर्त है इसलिए, और वो ख़वातीन अगर करना चाहती है तो नापाकी का लिहाज रखें, नापाकी की हालत में बिल्कुल भी ना करें, बेहतर है कि इस तरीके का अमल ही ना अंजाम दें। सिर्फ मर्द हज़रात इसको अंजाम दें तो बेहतर होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपकी खिदमत आली पहुँचते रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों नशस्ते में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।